एसपी के एमएलसी लाल बिहारी यादव पर केस दर्ज किया गया है। लाल बिहारी ने शिवलिंग पर विवादित टिप्पणी की थी। मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता ने दर्ज कराया केस। ज्ञानवापी विवाद को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। सपा एमएलसी बिहारी यादव के खिलाफ पुलिस ने यह मामला बजरंग दल के कार्यकर्ता की तहरीर पर दर्ज की। लाल बिहारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर एक टीवी डिबेट शो के दौरान शिवलिंग और भगवान शिव पर अमर्यादित टिप्पणी की। बजरंग दल की ओर से देर रात कांठ थाना के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई गई। बजरंग दल के जिला गौ सेवा प्रमुख सतेंद्र ठाकुर ने कहा कि सपा एमएलसी ने 130 करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था का अपमान किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा, ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, ये भगवान से भी ऊपर हो गए। इन्होंने जो आपत्तिजनक जो शब्द भगवान भोलेनाथ के लिए कहे हैं वो भगवान के लिए नहीं कहे, इस देश में रहने वाले लगभग 130 करोड़ हिंदुओं के लिए कहे हैं। बता दें, बजरंग दल की तहरीर पर पुलिस ने सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 153B के तहत मामला दर्ज किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।